बावलोग इतना तो है HBO हमें डिसअपॉइंट नहीं करता कभी भी। आई लाइक HBO शोज क्योंकि दे नो हाउ टू केयर देयर व्यूअर्स। पेंगुइन का फोर्थ एपिसोड आ चुका है, चलो बात कर लेते हैं क्योंकि इस शो की राइटिंग नेक्स्ट लेवल चरम सुख डिलीवर कर रही है इस बार। वैसे तो शो पेंगुइन का है लेकिन फोर्थ एपिसोड पूरा सोफिया को डेडिकेट किया गया है, और वो इसलिए भी क्योंकि जब अपने पेंगुइन की ग्रेविटी एंड पोटेंशियल इतना हाई है तो सेम विलेन कैरेक्टर की भी ग्रेविटी हाई होनी चाहिए, और यही इस एपिसोड में हुआ है। सोफिया का ओरिजिनेशन एंड पास लाइफ दिखाया गया है कि क्राइम की इस दुनिया में आना इतना ईजी नहीं था उसके लिए। पहले वो इन सब के खिलाफ ही थी और एक स्टेज पर आकर अपने बाप कारमाइन के खिलाफ भी हो गई थी, जहां कारमाइन ने सोफिया को मेंटल केस बनाकर आर्काम डिटेंशन कैंप में डलवा दिया था, क्योंकि कारमाइन के लिए असली थ्रेट बाहर के दुश्मन नहीं अब सोफिया बनने वाली थी, यानी उसकी खुद की बेटी। जो सोफिया अभी तक अपनी सिंपल लाइफ में ध्यान रखती थी अब उसके अंदर बहुत से सवालों ने जन्म ले लिया था, जो सीधा उसके बाप को थ्रेट करते थे, जैसे उसकी माँ को मारना, जो एक्चुअली कारमाइन ने ही मारा था अपनी बीवी यानी सोफिया की माँ को। और इस पॉइंट तक सोफिया तब पहुंची जब एक रिपोर्टर ने उन मरी हुई लड़कियों पर इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया जिनके मरने का फॉर्मेशन लगभग एक जैसा ही था। इट मीन्स ये कि सेम किलर बार बार वही अटेम्प्ट कर रहा है जो एक्चुअली कारमाइन ही था यानी सोफिया का बाप, और जितनी भी ये लड़कियां मरी थीं ये सब कारमाइन के ही क्लब में काम करती थी, पुअर बैकग्राउंडेड गर्ल्स, और सेम डेथ फॉर्मेशन से सोफिया की माँ भी मरी थी जिसे सोफिया ने डिकोड भी कर लिया था कि एक्चुअली किलर अपना बाप ही है सारा यानी कारमाइन फैलकॉन। एंड ये सारी चीजें कारमाइन को तब पता चली हैं जब पेंगुइन जो सोफिया का ड्राइवर एंड बॉडीगार्ड हुआ करता था इन द पास्ट, उसने कारमाइन को बताया ऑल बिहाइंड एक्टिविटी ऑफ सोफिया, जहां उसे डिटेंशन जेल में भेजने का हाथ पेंगुइन का भी था इस कारमाइन के साथ। एंड यहां मेकर ने आगे आने वाली झड़प पेंगुइन और सोफिया के बीच में जो होने वाली है उसको एक सॉलिड वजह दे दी कि दैट्स द एक्चुअल रीजन सोफिया का पेंगुइन से नफरत करने का, क्योंकि उस डिटेंशन जेल में सोफिया को जबरदस्त टॉर्चर करके पागल बनाया जा रहा था और लगभग 10 साल तक उसे ये टॉर्चर झेलना पड़ा, और ये सब कारमाइन के कहने पर ही करा जा रहा था। एंड वहां से अपनी सोफिया जिसे हैंगमैन भी कहा जाता है लोन वुल्फ होकर निकलती है। जो विलेंस एटीट्यूड सोफिया में दिखता है ना, ये एटीट्यूड एंड ये ठग राउडी लाइफ ये सब वही जनरेट हुई है उसकी इतना टॉर्चर झेलने के बाद, देन उन सबको सर्वाइव करने के बाद। एंड नाउ सोफिया जब ल्यूका उसे गौथम से भगाना चाहता है, एक्चुअली ऑल फैमिली सोफिया को इटली भगाना चाहती है यानी फैलकॉन फैमिली, सोफिया ने न्यू लाइफ शुरू कर दी है द बॉस लाइफ, जहां उसने स्मार्टली ल्यूका एंड ऑल फैमिली को मार दिया है एंड ओनली जॉनी बचा है जो फिलहाल उसकी गन पॉइंट के सामने ही है। बट मरेगा या नहीं वो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन बाबा अब मजा आने वाला है क्योंकि सोफिया को जो पावर चाहिए थी यानी रियल फैलकॉन पावर अब वो सोफिया को मिल जाएगी, क्योंकि आफ्टर ऑल सी इज द लास्ट सर्वाइवल फैलकॉन बॉस। जो पेंगुइन की तो फाड़ने ही वाली है क्योंकि पेंगुइन को अब सेल्वाटोर का साथ भी नहीं मिलेगा, और नाडिया ने लास्ट में उसे सोफिया के सामने एक्सपोज भी कर दिया यानी पेंगुइन को कि पेंगुइन ने ही सोफिया के भाई अल्फ्रेडो फैलकॉन को मारा है, और पेंगुइन अभी तक सिर्फ सोफिया को धोखा दे रहा था बस। तो पेंगुइन अब पड़ चुका है टोटली अलोन, जिसके पास ले दे के सिर्फ और सिर्फ विक्टर जैसा बच्चा है, और दोनों तरफ से पावरफुल विलेन से घिरा हुआ है यानी सोफिया फैलकॉन एंड सेल्वाटोर मोरानी। देखते बाबा नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, इसकी बैंड कैसे बजेगी कैसे नहीं। बाकी आपने भी इस वेब शो को देख लिया है और ऐसे गैंगस्टर क्राइम थ्रिलर ड्रामा को ढूंढ रहे हो जो बिल्कुल स्टोरी ओरिएंटेड कंटेंट है तो बाबा ये आप ही के लिए है, और HBO कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता है, ये बात ध्यान में रखना ऑलवेज। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड पेंगुइन शो बाबा बहुत ही सॉलिड शो है, देखो मज़ा जरूर आएगा। नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना अगर आपने भी इस शो को देख लिया है, इस एपिसोड को देख लिया है तब। जय हिंद।